तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप दोस्तों? आज मैं आपको बताने वाला हूँ सैमसंग A30s या सैमसंग कोई से भी डिवाइसेस हैं जिसमें वन यूआई 2.0 या सुपर का अपडेट आ चुका है, तो उसके अंदर ऐप्स को जो कि ऐप्स जो कि डाउनलोड हैं उसको हिडन कैसे करें ताकि लोगों को पता नहीं चले कि आप कौन कौन सी ऐप यूज़ कर रहे हैं, तो उसके बारे में बताने वाला हूँ। तो कैसे उसको हिडन कर पाएंगे, तो बहुत ही सिंपल स्टेप बताने वाला हूँ दोस्तों, चलते हैं आगे। मेरा नाम सनी और आपका स्वागत है मेरे चैनल। तो दोस्तों, एप्लीकेशन को हाइड करने के लिए आपको सैमसंग A30 या वन यू आई 2.0 में आपको करना क्या होगा, पहले तो आपको इसको कर लेना है डबल फिंगर से नीचे की तरफ, जो कि आपको पता है कैसे होता है। उसके बाद यहाँ जाना है आपको होम स्क्रीन सेटिंग पे। होम स्क्रीन सेटिंग पे जाने के बाद आपको यहाँ पर देखिए नीचे ऑप्शन मिलेगा हाइड ऐप्स का। हाइड ऐप्स में जाने के बाद आपको उस ऐप्स को सेलेक्ट करना है जिसको आपको हाइड करना है। लाइक मुझे कैमरा ऐप को करना है, तो मैं यहाँ कर लेता हूँ सेलेक्ट एंड कर देता हूँ डन। डन करने के बाद आप देखेंगे तो यहाँ कैमरा ऐप हाइड हो चुका है। आप यहाँ जाके सर्च में मारेंगे ऊपर तो वो आपको दिखने वाला है ही नहीं, क्योंकि वो सर्च हो चुका है, वो हो चुका है हाइड। आप देख रहे हैं, नहीं दिख रहा है। तो अब इसको वापस लाने के लिए आपको करना क्या है, वापस शो करने के लिए वापस दो फिंगर से आपको नीचे की तरफ करना है, देन होम स्क्रीन सेटिंग जाना है, देन हाइड ऐप पे जाना है एंड देन उसको वहाँ से हटा देना है, फिर डन कर देना है। तो आप वो देखेंगे वो ऐप आ चुकी होगी सबसे लास्ट ऐप में, ये देख रहे हैं आ चुकी है। तो ऐसे इसको फ़ोटो को हाइड किया जाता है। तो उसको कैसे करते हैं तो उसके बारे में दोस्तों मैंने आपको बता दिया है। आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, और अगर आपको मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, और अभी तक अगर आपने मेरे को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों। तो दोस्तों, मुझे यकीन है कि आपको ये मेरी वीडियो जरूर पसंद आ जाएगी, क्योंकि प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें, और मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो थैंक यू दोस्तों।